सीरियल मेरे साए में आज हुई है एक नई एंट्री जिनका नाम है गणपत राव और शो में गणपत राव की एंट्री बेहद टशन के साथ हुई है। तो तुम हो गणपत राव? हाँ, वो सुबह तुम्हारा विदूषक आया था, वो बता रहा था कि तुम्हें शिरडी में कुछ ऐसा नाटक तमाशा ऐसा कुछ करना है। हरिओ, आपको बता दें कि गणपत राव एक थिएटर आर्टिस्ट हैं जो अपनी गायकी का हुनर सबको दिखाना चाहते हैं। वहीं कुलकर्णी भी गांव के जाने माने गुरु हैं, तो भला वो कैसे किसी अन्य गायक को अपने सामने टिकने देते। तभी तो देखिए ना, गणपत राव की आते ही राव साहब की कुलकर्णी जी से बहस हो जाती है। वैसे सुना तो आपके बारे में भी बहुत कुछ है, पर अब आपकी बातों को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि आपको शास्त्रों का ज्ञान है, वरना आपकी बातों में ऐसा तन जैसी तलखी नहीं होती एक कलाकार और उसकी कला को लेकर। हरिओम हरिओम। आजकल चोर भी कहते हैं चोरी करना एक कला है, तो क्या चोर कलाकार बन जाएगा? लेकिन गणपत राव भी कहां किसी के सामने झुकते हैं। कुलकर्णी जी की बातों का गणपत राव देते हैं मुंह तोड़ जवाब। भीम पलासी के स्वर तो सच्चे लगा रहे थे, बहुत खूब, पर आश्चर्य की बात है कि एक कलाकार होकर भी आपको कला की पहचान नहीं। रंगमंच ही गणपत राव का मंदिर है और उसके दर्शक उसके भगवान। गणपत राव को अपनी कला साबित करने की कोई जरूरत नहीं। गणपत राव की कला पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आइए अब गणपत राव यानी सिद्धांत के पास ही चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं मेरे साई का हिस्सा बनने पर उन्हें कैसा लग रहा है। ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीवी में काफी स्ट्रेच करते हैं हर चीज को, तो यहाँ पे आते ही कुलकर्णी सरकार के साथ टशन हो गया, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एस्टैब्लिश हो गया और स्टोरी फॉरवर्ड भी, मतलब लोगों को पता चल गया कि क्या देखने वाले हैं। कैरेक्टर के बारे में भी दिख गया कि ठीक है, महान कलाकार है लेकिन ईगो भी उसका बहुत ही ज़्यादा है। तो आई थिंक इन द फर्स्ट सीन इटसेल्फ बहुत कुछ जाहिर हुआ ऑडियंस को, एंड इट विल सेट द पेस फॉर द थिंग्स कमिंग फोर्थ, क्योंकि अगर शुरुआत में ही उन्होंने इतने हाई नोट पे ले गए हैं तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड विल बी इवन मोर एक्साइटिंग। सिद्धांत, गणपत राव और कुलकर्णी के बीच बहस वाले सीन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक्चुअली काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि हम एक्टर्स जब सेट पर जाते हैं तो ऐसे होते हैं एक्टर्स, कई सारे एक्टर्स होते हैं जो घमंड होता है उनका। अभी देखिए, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कुलकर्णी सरकार यहाँ के सरकार हैं, यहाँ के डॉन हैं, यहाँ के बेस्ट एक्टर हैं, यहाँ के बेस्ट कलाकार हैं, और सडनली कोई बाहर से आता है उनके सेट पर, यू नो, उनको बोलता है कि वो कलाकार नहीं है, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको ही इंसल्ट करते हैं उनके खुद के डोमेन में, तो एनीवन विल बी ऑफेंडेड, और दिस क्रिएटेड अ वेरी गुड कॉन्फ्लिक्ट फॉर द स्टोरी टू स्टार्ट विद। वेल, जब एंट्री ही इतनी धमाकेदार हुई है और एंट्री के साथ ही गर्मा गर्मी का माहौल भी बन गया है, तो देखने वाली बात यह है कि शो में आगे गणपत राव और कुलकर्णी के बीच का घमासान क्या रंग लाएगा। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।